All I feel is blue. हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए करेले की रेसिपी। और करेले की रेसिपी देखिए मेरी, आप पूरी वीडियो एंड तक देखिए। और मैं करेले इस तरह से बनाऊंगी, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, ये चैलेंज करती हूँ मैं आपको। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, करेले अपने में रात का टाइम है, ये जो लेके बैठी हूँ मैं करेले बनाती हूँ। तो रात एक दिन पहले रात को मैंने छील के रख छील दिए हैं मैंने करेले अपने। और जो ऊपर का उनका छिलकल होता है मैं उसे फेंकूँगी नहीं, उसे एक बर्तन में छिल के रख लूँगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 देखिए। छीले के बाद मैं अपने करेले में कट लगा लूँगी, सिंगल कट लगाना है। कट लगा के मैं इसके अंदर नमक भर दूँगी। नमक का आप थोड़ा ज़्यादा ही भरिए, क्योंकि हमें यह स्वाद के लिए नहीं, इसमें से जो कड़वापन है उसे दूर करने के लिए नमक भर रहे हैं इसके अंदर। देखिए करेले के अंदर और जो अंदर छिकल था उसके अंदर मैं नमक, सब मैंने नमक मिला दिया है। अब मैं इसको रख दूँगी। अब मैं सुबह मिलती हूँ आपसे। और ये देखिए करेले मैंने अपने सिंक में लेके, करेले मुझे धोने हैं अपने। देखिए करेले आप तीन चार बार धोइए। और देखिए मैंने करेले छलनी ले ली है अपने, जिससे मैं इसलिए करेले धो धो के इसमें रखती जाऊंगी। और देखिए करेले को मैं किस तरह रगड़ रगड़ कर धो रही हूँ, इसे रगड़ रगड़ के ही धोना है, ताकि जो कड़वापन है वो निकल जाए। कि देखिए आपने सुना होगा कि नमक से ही कड़वापन कम हो जाता है। देखिए ऐसे रगड़ रगड़ के धोने हैं करेले, मुझे तीन चार बार धोने हैं, एक बार से कुछ नहीं होगा। तीन चार बार मैंने धोया है इसको, ये देखिए। और जो बाद में छिक्कल रह गए हैं उसको भी मुझे तीन चार बार ही धोने हैं, साथ ही में धोना है। छल्ले मैंने छान लिए ताकि एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाए। देखिए जैसे मैंने बताया तीन चार बार धोने हैं। ये करेले मैंने फिर उसमें डाल दिए हैं। जितना आप करेले को धोगे उतना ही अच्छा है, उतना ही कड़वापन कम से कम होता जाएगा। और देखिए मैं अपनी सामग्री तैयार कर ली है। प्याज ले लिए मैंने बारीक कटी हुई, आमी ले लिए मैंने, मसाले ले लिए हैं, और ये करेले रखे हैं मेरे। और करेले मैंने आधी किलो लिए हैं, और आधी किलो में आप हाफ इंच में आमी डालोगे, जिसे मैंने देखिए बारीक काट लिया है। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। और देखिए मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है इसके लिए, और मैंने प्याज डाल दिया है अपना गरम तेल में, क्योंकि जो हमारा सरसों के तेल में ही होती है हमारी ये सब्जियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। प्याज को मुझे फ्राई करना है। इसकी मुझे हल्दी डाल देनी है, हल्दी पकानी है अपनी, हल्दी कच्ची न रहे ध्यान रहे। मिर्च डाल दिए मैंने, मिर्च मैं हल्की रखूँगी, इसलिए मैं आधा चम्मच से कम डाली है, क्योंकि करेले वैसे भी गर्म होते हैं तो मिर्च अब कम ही डालें। इसके बाद देखिए जो करेले का छिकल था वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें आमे भी डाल दिए मैंने अपनी। और ध्यान रहे कि हम इसे गलाना नहीं है इसको, सिर्फ हमें अपना मसाला पकाना है इसको अपना, क्योंकि गलाएंगे तो हम इसको बाद में ना। ये तो हम करेले में भरने के लिए इसमें सामग्री तैयार कर रहे हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए आप। देखिए सूखा धनिया मैंने दो चम्मच डाला है इसमें। देखिए मेरे अंदर करेले के अंदर भरने के लिए स्टफिंग मेरी तैयार हो गई है। देखिए चलाते रहूँगी ताकि मेरा मसाला एकदम मिक्स हो जाए। गैस बंद कर दूँगी, थोड़ा ठंडा करूँगी मैं इसको। ठंडा करने के बाद देखिए मैं दूसरी प्लेट में अपने निकाल ली है। अब देखिए जो करेले हैं जो मेरे कटे हुए थे, मैं इसके अंदर ये स्टफिंग भरूंगी। अब दबा दबा के भरिए।
मैंने धागे से इसे बांध दिया है। वैसे मैं आपको बताने के लिए धागा बांध रही हूँ, मैं धागा बांधती नहीं हूँ, क्योंकि मान लो अगर मसाला वाल तो निकलता नहीं है इतना, अगर निकल भी गया तो वो रहेगा था करेले के साथ में। देखिए ये करके मैंने सारे करेले भर लिए हैं अपने, खूब दबा दबा के भरिए चम्मच से। ये देखिए अब मैं उसी कढ़ाई में मैंने इसको रख दिया है, मैं और ऑयल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा सरसों का तेल होता है वह वैसे भी बहुत ऑयली होता है वो। इसके जो बाकी मसाला था वो मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया है। अब मैंने गैस पे गर्म करने के लिए रख दिया है अपना। अभी एक मिनट के लिए मैं गैस को तेज ही रखूँगी, जब मेरी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब मैं गैस को थोड़ा सा धीमा कर दूँगी। और देखिए 10 मिनट के बाद गैस धीमी कर देनी है, 10 मिनट के बाद फिर मैं करेले को पलटूंगी। और देख करेले को उठाकर मैं जैसे करछी में ले रही हूँ उसी पलट दे रही हूँ, उनको चला नहीं रही हूँ उसको, क्योंकि चलाने नहीं है, करेले हमारे सूखे हैं ये। और पानी हल्का से डालना है इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है, मुश्किल से आधा कप पानी डालना है। देखिए और एक बार बीच में पलट देने के बाद देखिए फिर मैंने लास्ट में कर लिया, जब हमारे पक जाए आप देख लीजिए कच्चे से दबा के से गल जाए वो। उसके बाद देखिए मैंने इनको दबा दबा के जो इनका मॉइस्चराइजर पूरा निकल जाए, पूरा सूख जाए। सूखने के बाद देखिए करेले मेरे पक चुके हैं, एकदम रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, खाने के लिए तैयार हैं ये। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ 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 हेल्प मी। ओके थैंक यू, एंजॉय। What we do here is go back, 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 back.